सामने के स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स। इससे पहले हम लोग सारे के सारे टॉपिक्स डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब उनकी वीडियोस देखें, उनको वीडियोस को समझें। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियोज़ को मज़ीद शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स। मुझे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो किसके नतीजे में बनते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के नतीजे में। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ये सिमिलर है, तकरीबन मिलता जुलता है किससे, कोवेलेंट बॉन्ड से। अब कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग की बात होती है लेकिन म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती उसमें। उसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन किसकी फॉर्म में होता है, पेयर की फॉर्म में शेयर किया जाता है। जैसे इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ एक दफ़ा सारे के सारे ध्यान से सुनिएगा। उसमें क्या होता है, हमारे पास एक डोनर होता है, दूसरा एक्सेप्टर होता है, एक लॉन पेयर होता है और बॉन्ड पेयर होता है। डोनर ने क्या काम करना होता है हमारे पास, डोनर ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना होता है, ठीक है। और जो हमारे पास एक्सेप्टर होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनर ने डोनेट किया उसको इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। किसकी फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, पेयर की फॉर्म में। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, जोड़े में दो इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास। अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। इसके नतीजे में बनने वाले बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से हमारे पास आगे क्या चीज बन रही है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज तकरीबन तकरीबन सिमिलर मिलती जुलती किससे, हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड से, कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज से। चले स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं। इसके हमारे पास चार प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है, उसमें वही बता रहे हैं, दे आर सिमिलर लाइक कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये कोवेलेंट कंपाउंड की तरह क्या होती है, हमारे पास सिमिलर होती है। देयर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, मोस्टली सिमिलर टू दोज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। इनकी प्रॉपर्टीज तकरीबन तकरीबन कोवेलेंट कंपाउंड से मिलती जुलती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, एज द न्यूक्लियाई, इनका जो न्यूक्लियाई होता है इन कंपाउंड्स के अंदर, इन दीज कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय ड्यू टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैं बता चुका हूँ इनमें न्यूक्लियस किस फॉर्म में बन रहा है, शेयर्ड। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन किसके नतीजे में बना है, अमोनिया और हाइड्रोजन के दरमियान में इलेक्ट्रॉन के शेयर्ड पेयर के डोनेट होने के नतीजे में। अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, लॉन पेयर होता है नाइट्रोजन के ऊपर, वो लॉन पेयर से किसको डोनेट कर दिया, हाइड्रोजन को। जैसे हाइड्रोजन को डोनेट किया, इसके नतीजे में हमारे पास क्या चीज बनी, अमोनियम आयन। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, NH3+ एच पॉजिटिव, नतीजे में हमारे पास क्या चीज बन रही है, NH4+। ये ऊपर चार्ज आ रहा है, इसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, अमोनियम आयन। इसके अलावा आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राईफ्लोराइड किसके दरमियान में, जैसे कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में करवा चुका हूँ, आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, NH3 और किसके दरमियान में बॉन्ड, BF3। ये कौन सा है, अमोनियम, अमोनिया एंड बोरॉन ट्राई फ्लोराइड। BF3 को भी कहते हैं बोरॉन ट्राई फ्लोराइड। इनके दरमियान में जो बॉन्ड होगा उसके नतीजे में जो हमारे पास चीज बनती है उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और ये कौन सा कंपाउंड होगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड। देयरफॉर दे डू नॉट फॉर्म आयन इन वाटर, क्योंकि किसकी वजह से बन रहे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बन रहे हैं, तो ये वाटर के अंदर आयन्स नहीं बना सकते। आयन बनाने की इनकी पॉसिबिलिटी, चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। किसकी वजह से, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक हो गया। अगला पॉइंट हमारे पास आ रहा है, ड्यू टू देयर कोवेलेंट नेचर, इनकी कोवेलेंट नेचर होने की वजह से। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ शेयरिंग किस में होगी, कोवेलेंट में, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कोवेलेंट नेचर। इनकी नेचर कौन सी होगी, कोवेलेंट, क्योंकि सिमिलर है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, इसके नेम में ही कोवेलेंट आ रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग से बनने वाले कंपाउंड्स। अब इसमें क्या हो रहा है, दे फॉर्म सॉल्यूशंस इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ बनाते हैं, उनमें क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। किन में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या बनाएंगे, हमारे पास सॉल्यूशन बनाएंगे। एंड आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर में वो बिल्कुल थोड़े से सॉल्युबल होते हैं, स्लाइटली सॉल्युबल कह सकते हैं आप लोग। जैसे कि हम लोगों ने कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि वो नॉन एक्वियस सॉल्वेंट्स में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आप कह सकते हैं C6H6 बेंजीन। इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, बेंजीन आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है, अल्कोहल, ईथर। आप लोग इसके अलावा क्या कह सकते हैं, अल्कोहल। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं,
ईथर, इनमें क्या होते हैं, इजीली सॉल्वेबल हो जाते हैं, क्योंकि कौन से हमारे पास नॉन एक्वियस सॉल्यूशन है, कौन से हैं नॉन एक्वियस सॉल्यूशन है, कौन सा, बेंजीन, अल्कोहल, ईथर, C6H6, किस चीज का फॉर्मूला है हमारे पास, बेंजीन का। इनमें क्या हो रहा है, इजीली सॉल्युबल है, लेकिन वाटर में सॉल्युबल नहीं है, बिल्कुल थोड़े से सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि कोवरेंट का पोर्स हमारे पास, हम लोग कोवरेंट का पोर्स पीछे डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। नेक्स्ट, यूजुअली दे आर रिजिड कंपाउंड विद अ डाइपोल। ये हमारे पास कौन से कंपाउंड होते हैं, हार्ड सॉलिड कंपाउंड होते हैं, सख्त होते हैं, किसके साथ, इनमें किस चीज के साथ होते हैं, डाइपोल के साथ। कौन से कंपाउंड होते हैं, रिजिड, रिजिड क्या होते हैं, हमारे पास हार्ड कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और एक कौन से हमारे पास किस चीज के साथ होते हैं, विद अ डायपोल, इनमें क्या चीज होती है, डायपोल भी पाए जाते हैं। ये थे हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड की चार प्रॉपर्टीज। और ये जो टॉपिक है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड, ये ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।